हेलो एवरीवन, आई एम आर्य यादव। दिस इज सीता सिंह। वी आर फ्रॉम विद्या मुंबई बेगान स्कूल मिलिंद नगर। टुडे वी आर प्रेजेंटिंग दिस प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। सो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कार्स है, कार मतलब जो चल रही है उस वजह से जो फॉसिल फ्यूल है बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, जिस वजह से जिसमें से एयर निकल रही है वो हमारी एनवायरमेंट को बहुत डिस्ट्रक्टिव है बना, जो हम ह्यूमन बींग्स को, एनिमल बींग्स को, नेचर को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट कर देता है। और आप जैसे जो हमारे कॉन्सेप्ट है ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर आपको कहीं कहीं पतला दिख रहा है और इसमें एक छेद भी है। अब ये पतला और जो छेद क्यों हुआ है, ये हमारी वजह से ही हुआ है, कहीं ना कहीं हम ही से जिम्मेदार हैं। जो ओजोन लेयर होता है वो यूवी रेज को फिल्टर करता है ताकि वो एकदम सेफ हो जाए हमारे लिए, पर हमारी वजह से जो इतना पतला हुआ है उस वजह से डायरेक्ट यूवी रेज पड़ रही है, तो वो पॉल्यूशन की वजह से हुआ है, जो लोग फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उनकी वजह से हुआ है। तो जब हमारे पे डायरेक्ट अब यूवी रेज पड़ रही है, जिस वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और वो वाटर में डायरेक्टली मिक्स हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेवल पे, जिस वजह से जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, जो ये सब बहुत सारे बहुत बड़े कारण है फ्लड कॉज होने का, सुनामी कॉज होने का, और जो वॉल्केनोज होते हैं, जो सी के अंदर वॉल्केनोज होते हैं उनके इरप्ट होने का बहुत बड़ा कारण है ये सब। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ये भी एक रीज़न है कि हमारा ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहा है, मतलब कमज़ोर कर रहा है। इसमें बहुत सारी जगह पे एक छेद हो गया है, कमज़ोर हो गया है, जगह पतला हो चुका है। तो हम लोग के पास एक इंसिडेंट था कानपुर का, तो आप लोग जानते हो कि कानपुर ये लेदर फैक्ट्रीज के नाम पर बहुत फेमस है। तो फिर उसमें जो लेदर पे केमिकल यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है वहाँ पे, मतलब जो भी उसके एरिया में आते हैं वो लोग को इतना इफेक्ट करता है, उनकी स्किन खराब हो जाती है, हेल्थ खराब होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वहाँ के आसपास के एरिया के लोग की भी हेल्थ खराब हो जाती है। और जैसे कि जितना भी केमिकल वहाँ से निकलता है वो डायरेक्ट नदियों में, पानियों में जाता है, जैसे कि गंगा नदी को ले लो, वो नदी को पूरा खराब कर दी। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग भी उस पर रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा।